अबू मेरी टांग टूट गई, अबू हाय मेरी टांग। अंकल आ रहे हैं, तूने बस एक्टिंग अच्छे तरीके से करनी है। अरे क्या हुआ, मेरे बेटे की टांग कैसे टूट गई? अंकल जी ये दूध लेके आ रहा था, पांव फिसलने की वजह से इसकी टांग टूट गई है। अंकल जी हमें देरी करनी चाहिए, इसको मुल्तान किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाना चाहिए। बेटा हमारी बस्ती में हमारे बुजुर्गों के दौर का मशहूर मरूफ लुए पाड़ हकीम है, पहले उसे चेक करवा लेते हैं। अंकल आप भी अपनी तरह पुराने जमाने की बात कर रहे हैं, ये हकीम के बस की बात नहीं है, इसको फौरन मुल्तान लेके जाना पड़ेगा। बेटा लुए पहाड़ के मजून खाने से तो लंगड़े लूले भी भागने लग जाते हैं, इसकी तो सिर्फ टांग टूटी है, तुम रुको मैं उसको लेके आता हूँ। अरे यार अब्बा तो सचमुच हकीम को लेने चला गया, अब क्या होगा? तू टेंशन ना ले, मैं हूँ ना। हकीम साहब ये है मेरा बेटा जिसकी टांग टूटी है। चलो अभी देख लेते हैं, मैं कोई आम हकीम थोड़ी हूँ, हकीम लोहा पहाड़ नाम है मेरा। हाँ बेटा कौन सी टांग टूटी है तुम्हारी? अरे हराम खोर टांग तेरी दाएं वाली टूटी है, बाएं वाली क्यों दिखा रहा है? अरे हकीम साहब ये वाली टांग नहीं दूसरी वाली टूटी है। ओहो बेटा ये बात पहले बतानी थी। बेटा कुछ महसूस हो रहा है? नहीं हकीम साहब। बेटा आप महसूस हुआ कुछ? नहीं नहीं हकीम साहब कुछ भी महसूस नहीं हो रहा। अबे यार हकीम तो तेल लगाने लग गया, अब क्या होगा? जो भी करता है उसे करने दे, तू बस अपनी गिरफ्त मजबूत रख। हाँ बेटा कुछ महसूस हो रहा है? नहीं नहीं हकीम साहब जरा सा भी महसूस नहीं हो रहा। अरे यार मेरे 60 साल तजर्बे में ये पहला मरीज ऐसा आया जिसने हकीम लोहे पहाड़ को सोचने पे मजबूर कर दिया, इसे आखिर महसूस क्यों नहीं हो रहा कुछ भी? अब मेरे पास सिर्फ एक ही हल बचा है इसका। बेटा ये डंडा पकड़ाना मुझे। थू थू या इन अल्लाह या उन अल्लाह, देखी जाएगी आप। अरे हकीम ने तो इतना बड़ा डंडा निकाल लिया, कहीं तेरा आइडिया मेरी टांग का प्रोग्राम ना वार दे। कुछ भी हो जाए तूने बस अपनी गिरफ्त मजबूत रखनी है। बेटा कुछ महसूस हुआ है? नहीं नहीं हकीम साहब कुछ महसूस नहीं हुआ। चलो फिर लेट जाओ। अरे राम गौर मुझे लगता है मेरी टांग सचमुच में टूट गई है। रेशमा के दीदार की खातिर ये डंडे तो कुछ भी नहीं है, 2-3 डंडे और खा ले बस। अब्बा मेरी टांग सचमुच में टूट गई है। क्या बेटा पहले टांग नहीं टूटी थी? अब्बा इस राम गौर के कहने पे रेशमा की फिल्म देखने के लिए ये एक्टिंग कर रहा था। लुए पहाड़ ये डंडा मुझे दिखा, हराम खोर तुझे रेशमा की फिल्म तो मैं दिखाता हूँ।